हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को बाबा नगरी देवघर में। गाइस, तो आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, तो इस बार जो है हम आप लोगों को महाशिवरात्रि दिखाने वाले हैं बाबा नगरी देवघर का। देवघर काफी बार आ चुके हैं, सावन में आ चुके हैं, दिना आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो है महाशिवरात्रि में आए, क्योंकि गाइस महाशिवरात्रि का जो माहौल होता है वो बाबा नगरी का बहुत ही भव्य होता है। गाइस, तो आज हम सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि भागलपुर से बाबा नगरी आए हैं। गाइस, तो सबसे पहले हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद जो है बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करेंगे, उसके बाद बाबा बॉस की नाथ का भी दर्शन करेंगे। यानी कि एक दिन में आप लोगों को दो तीन जगह का दर्शन करवाने वाले हैं। क्या कहना हरा हरा महादेव। तो गाइस, अभी हम शिव गंगा में, आपको बता दें अगर आप लोग सुल्तानगंज से गंगा स्नान नहीं करके आते हैं तो ये शिव गंगा का भी मान्यता बहुत ही खास है, क्योंकि गाइस सबसे पहले जो शिव गंगा में आप स्नान कर सकते हो, उसके बाद जो बाबा धाम पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम शिव गंगा में स्नान करेंगे। ये पूरा शिव गंगा है जो कि बहुत ही पवित्र गंगा है। ऐसा माना जाता है कि इस गंगा में स्नान करने के बाद जो है आपकी सारी पाप पुण्य जो है वो हर हर महादेव। पहले ही बोल दिए ना, साथ में बोलना था। गाइस, तो अब हम जो है शिवगंगा के अंदर आ चुके हैं, अब हम शिवगंगा का स्नान करेंगे। आपको बता दे गाइस, पहली बार जो है हम अपने फोन को भी शिवगंगा में स्नान करवाएंगे, क्योंकि बहुत बार हम जो है पवित्र हो जाते हैं, हमारे फोन बहुत जगह पे जाता है, तो आज पहली बार जो है गाइस, तो अभी हम लोग जो है शिव गंगा में स्नान करके जो बाबा नगरी के पास जा रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं हम लोगों का ड्रेस जो है आज का एकदम पूरा भक्ति भाव वाला फील आ रहा है, और वैसे भी ड्रेस हम लोगों ने पहना है। अब चलेंगे मंदिर में, आप लोगों को पहले बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो है महाशिवरात्रि के मौके पर जो भी मंदिर परिसर में होगा वो सभी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। आज का ब्लॉग जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गाइस पहली बार जो है हम शिवरात्रि में बाबा बैजनाथ धाम के देवघर आइए, और देवघर का प्रसाद मार्केट नहीं घूमे तो भैया क्या घूमे। देखिए, ये है प्रसाद मार्केट। प्रसाद मार्केट में घूमने में इसलिए मजा आता है, क्योंकि गाइस इस मार्केट में रास्ता आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन सामान काफी ज्यादा मिलेगा। इस मार्केट में आप लोगों को जो है देवघर का फेमस पेरा, जो की वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। वो भी गाइस बहुत प्रकार, बहुत मजा आएगा इस मार्केट में घूमते। हर एक सामान मिलेगा आप लोगों को, जो पूजा पाठ के लेके और अपने घर भी ले जा सकते हैं, वो सारा सामान आप लोगों को इसी मार्केट में मिलेगा। चाहे मम्मी के लिए आप सिंदूर ले, या टिकली ले, या जो भी पाउडर वगैरह जो भी ले, अब सारा चीज आपको मिलेगा। बद्दी वगैरह भी सारा आपको इसी मार्केट में मिलेगा। देखिए, बाबा मंदिर में जाने के लिए गाइस दो रास्ता है। एक तो सामने से आप प्रसाद मार्केट से भी होते हुए जा सकते हैं, एक जो है जो सावन में लाइन लगता है उस रास्ते से भी जा सकते हैं। कैसा लग रहा है ये बताइए? लग रहा है मानो आज का दिन सबसे पवित्र है। पवित्र है, और सबसे खास बात यह है कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, बिल्कुल अचानक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया ही। हाँ। आपको भी मैंने रात को फोन करके और जिद कर दिया कि चलना, लेकिन खैर आने का जो है सबसे मेन कारण गाइस यहाँ पे आके दर्शन तो जो करेंगे, लेकिन बोले यही चलने के लिए, मानस भैया बताए थे, लेकिन आके काफी अच्छा लगा। क्या है ना, मैंने नहीं बोला, महादेव जिनको बुलाना चाहते हैं किसी ना किसी माध्यम से बुला, ये बात तो है, शायद मेरे जुबान पर हो वो, और मैंने इसीलिए इतना जिद कर दिया। अमूमन मैं इतना जिद नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या, आपको ले चलना है तो ले चलना है। सही बात, और ऐसा हुआ कि हम रात में 3 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठ के भागलपुर से बाय रोड जो है हम सीधा बाबा नगरी पहुंच चुके हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पीछे है बाबा का मैन मंदिर। अब हम मंदिर का जो परिसर चलेंगे, और सबसे पहले हम आप लोग गेट पर जो है फूल वगैरह ले लेंगे, गंगा जल भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम गंगा जल और फूल लेके अंदर चलेंगे। बाबा दरबार के मैन गेट पे है अभी हम गाइस, अब अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं आज का जो है बाबा नगरी का नज़ारा जो है वो देखने लायक होगा गाइस, क्योंकि इतना भीड़ शायद आपको कभी और देखने को नहीं मिलेगा। सावन के दिन तो भीड़ होता ही होता है, लेकिन अंधेरा इतना क्राउड नहीं होगा जितना आज होगा। अब हम लोग गाइस संकल्प करवा रहे हैं अपने गंगा जल और फूल को। अब हमारे चेहरे पे आप लोगों को 12 बजे हुआ नजर आ रहा होगा। एक्चुअल में क्या हुआ है बताते हैं शुरू से। मंदिर में इतनी ज्यादा आज श्रद्धालुओं का भीड़ है, क्या ही बताएं। लगभग हमें लगता है 6-7 किलोमीटर की दूरी से जो है मंदिर में हम लाइन लगने के लिए जा रहे हैं।
पुलिस वाला लोग घुमा दिया हम लोगों को। गलत किया पुलिस वाला सर। भीड़ है, हम तो भी मंदिर जा रहे हैं। भीड़ नहीं है उतना। अरे भीड़ लाइन में है ना, लाइन जितना देर अंदर दे रहे यहाँ से यहाँ देखिएगा आगे से। अच्छा एक चीज तो है, कहीं ना कहीं मंदिर में एक चीज की खराबी हमें लगा कि वीआईपी पास वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही खराब लगता है गाइस। आप पूजा पाठ में भी वीआईपी वाला सिस्टम कर दिया, कमाने का एक जरिया ना आंटी। वीआईपी वाला जो सिस्टम वो खराब है ना। हाँ वही खराब किया है। अब देखिए हम लोग भगवान से ज्यादा वीआईपी कोई नहीं हो सकता, ये लोग भगवान के आगे ही वीआईपी बन रहा है। मतलब समझ लो भगवान के साथ भी चीटिंग बाजी किया जा रहा है। देखिए गाइज ये वही रास्ता है जिस रास्ते से आप बाबा मंदिर तक जा सकते हैं। आपको बता दें सावन के दिन में जो है इसका काफ़ी खास व्यवस्था किया जाता है इस रास्ते से होते हुए, लेकिन अभी उतना कुछ खास रहता नहीं है। लेकिन आप इसी रास्ते से होते हुए आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से आप बाबा मंदिर तक जा सकते हैं, और अभी हम लोग भी उसी रास्ते से जाते हैं। हम लोग क्या है ना, कुछ नियम कानून को ज़्यादा मानने वाले हैं, एक भी नियम कानून को तोड़ते नहीं है। प्रॉपर वे में जैसे हम लोगों को प्रशासन गाइड किए उसे हम लोग चल रहे हैं। सामने देख सकते हैं गाइस शिवराम जहाज चौक है, और इसी रास्ते से जो है सभी लोग जितने भी श्रद्धालु जाते हैं बाबा पे जल अभिषेक करने इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। थोड़ा सा आज जो है काफ़ी लंबा दूर से जो घुमाया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अंधेरा आप आते हैं तो चांसेस रहता है मंदिर के पास से भी आप अंदर जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब सावन में श्रद्धालु आते होंगे तो करीबन 10 किलोमीटर दूर से ही लाइन में लगना पड़ता है। आप समझ सकते हैं उस समय जो है कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा एक एक श्रद्धालु को। अभी हमारा होश उड़ गया गाइस क्या ही बताएं, जब हमने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड है आज मंदिर में। ओहो आप देखिए गाइस 6-7 घंटा तो हम लोग लाइन में लगने वाले हैं मनोरंजन के लिए जो है कुछ अंकल लोग। देखिए गाइस इस भीड़ को देख के जो है हमारा हिम्मत हार गया। बाबा के मेन मंदिर में गाइस इतना ज्यादा भीड़ है आज के रेट में, हमें हिम्मत नहीं हो पाया कि अंदर तक हम जा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है आज। अभी हम जो काल भैरव मंदिर में ही दर्शन करके और जल अभिषेक करके बाहर आ चुके हैं। आपको दिखा दे गाइस महाशिवरात्रि के दिन आज जो है बाबा मंदिर के अंदर का भी हम व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को। आज का जो भीड़ है वो गाइस बहुत ज्यादा है, अंधेरा से तो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं करीबन 7-8 घंटा हमें लगता है इस जगह तक आने में। अभी हम गाइस बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में हैं और आज महाशिवरात्रि के मौके पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का ये क्राउड, आज साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से गाइस हम अंदर तो जाके नहीं दिखा पाए, लेकिन बाहर से हम आप लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करवा रहे हैं। देखिए ये पूरा मंदिर है, ये शिव मंदिर है और सामने में पार्वती माता का मंदिर है। आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है गाइस। आप समझ सकते हैं आज के दिन इतना ज़्यादा भीड़ है तो सावन के मौके पर कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा। श्रद्धालुओं काफ़ी दूर दूर से आज आते हैं भोलेनाथ के दरबार। हम काफ़ी कोशिश किए थे बट हमसे हिम्मत नहीं हो पाया गाइस कि हम मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर पाए और भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर पाए। बट बाहर से हम लोग पूजा अर्चना कर लिए, कभी अदर दिन आएंगे तो हम आप लोगों को दर्शन करवाएंगे, लेकिन तब तक जो है आप बाबा मंदिर का व्यू देखिए। भाई तुम मेरा चलो चलो देखो।